नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के नए प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के कुल 37 में से 36 वोट डाले गए। चंडीगढ़ की एक वोटर नंदिता हुड्डा राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर तेलंगाना के दौरे पर हैं। वहीं उन्होंने अपनी वोट डाली। वहीं चंडीगढ़ में NSUI दिल्ली से नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन ने भी वोट डाला। वह चंडीगढ़ में थे। उनके अलावा AICC के प्रदेश रिटर्निंग अफसर एवं पोलिंग अफसर खिलारी लाल भैरवा, राजस्थान से विधायक तथा दिल्ली से कांग्रेस के APRO कमलकांत शर्मा भी मौजूद थे। इन्होंने भी वोट डाले। ऐसे में चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में कुल 39 वोट डाले गए। प्रेसिडेंट पोस्ट के चुनाव में सीनियर कांग्रेसी लीडर मल्लिका अर्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। वहीं गांधी परिवार पहले ही ऐलान कर चुका है कि वह किसी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कांग्रेस वर्कर्स जिसे अपना नेता चुनना चाहेंगे उसे वोट करेंगे। वहीं सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर बड़े नेता खड़गे के समर्थन में हैं। चंडीगढ़ में सुबह लगभग 11 बजे वोटिंग शुरू हुई और कुछ ही देर में सभी वोटें पड़ गईं। पूर्व रेल मंत्री एवं सीनियर कांग्रेसी नेता पवन बंसल समेत अन्य वोटर्स सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन में वोटिंग के लिए पहुंचे थे। यहां पर शशि थरूर का कोई पोलिंग एजेंट नहीं था। वहीं मल्लिका अर्जुन खड़गे के दो पोलिंग एजेंट सेक्टर 35 कांग्रेस भवन में पहुंचे हुए थे। इनमें धर्मवीर और भूपिंदर भूरा शामिल थे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।